और देखिए आज का मौसम के अनुसार जो है हम लोग एक अलग तरह का रेसिपी बनाने जा रहे हैं। हाय फ्रेंड, और आप लोग कैसे हैं? और उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। और रोज़ की तरह आज फिर आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग्स पर। और अभी फ़िलहाल सुबह का 10 बज रहा है, और एक्चुअली सुबह से जो है बारिश वाला मौसम था और बिंदा बूंदी जो है पानी जो है बरस रहा था, और अभी लगभग मौसम बहुत साफ किया हुआ है। और देखिए अभी हम लोग दुकान खोले हुए हैं, और देखिए दुकान के बाहर जो है बकरियां देख रहे हैं, अभी तक बंधा हुआ है देख पा रहे हैं। और एक्चुअली बारिश में जो है बकरियाँ को हम लोग नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो फिर से जो है घूम के जो है घर ही वापस आ जाएगी, इसीलिए अभी नहीं खोलते हैं। और देखिए आज का मौसम जो है बहुत अच्छा है, और इस तरह के मौसम में जो है कुछ घर में अगर बन जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए सोचते हैं क्या चीज़ जो है बनाया जाए, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग्स पर आप लोग बने रहिए। और देखिए आज का मौसम के अनुसार जो है हम लोग एक अलग तरह का रेसिपी बनाने जा रहे हैं। और देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अंडा है और टमाटर है, और देखिए बेसन इसमें लिए हैं, और इसमें जो है सारा मसाला जो होता है हल्दी है नमक है और जीरा हो गया धनिया हो गया उसका पेस्ट, और यहाँ मिर्च का पाउडर है। और आज हम लोग इसी का जो है पकौड़ा बनाने वाले हैं, अंडा और टमाटर का। और एक बात, आज जो है रीता जी का जो है तबीयत जो है ख़राब है, तो सारा काम जो है हमें को करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है अंडा को दो भाग में बांटेंगे। देखिए देखिए अंडा को जो है दो भाग में बांट लिए अब, और देखिए अंडा को जिस तरह से दो भाग में बांटे उसी तरह टमाटर को भी जो है दो भाग में हम लोग बांट लिए। बेसन को हम लोग गीला करते हैं। देखिए नमक देना है स्वाद के अनुसार, आपको नमक दे देना है जितना, जैसे आपका जितना क्वांटिटी में आप दिए हैं बेसन उस तरह से जो है आपको नमक देना पड़ेगा। इसके बाद ये जो मसाला का गुंडी है धनिया जीरा ये सब मसाला गुंडी, इसको भी दे दीजिए, इसमें हम लोग मिला लेते हैं। इसके बाद मिर्च पाउडर है, मिर्च पाउडर को मिला लेते हैं। और इसके जो है ये है ये हल्दी है, हल्दी को मिला लेते हैं। देखिए ये हल्दी को मिला लिए, जितना मतलब जितना क्वांटिटी होना चाहिए उस प्रकार से मिला लिए सबको। और फिर जो हल्का सा पानी देते हैं इसको, और हल्का सा पानी देने के बाद इसको देखिए इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, गीला करने से जो है वो सटेगा नहीं उसमें, जो अंडा को जिसमें साटेंगे उसमें टमाटर में वो सटेगा नहीं, इसीलिए उसको ज़्यादा गीला नहीं करना है। ठीक है, देख पा रहे हैं ये कितना अच्छा तरीके से देखिए बन चुका है, ये बहुत अच्छा तरीके से जो है ये पेस्ट बन चुका है। देख पा रहे हैं, देखिए गैस जला लेते हैं इसको। देखिए गैस का जो है फ्लेम जल चुका है, अब इसमें देखिए कढ़ाई को चढ़ा दिए। देखिए कढ़ाई जो है गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग तेल डाल देते हैं। अंडा और टमाटर के दोनों भाग को देखिए हम लोग किस तरह से भर लिए हैं। इसके बाद इसको जैसे सटा देंगे, सटाने के बाद देखिए इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से देखिए देखिए किस प्रकार से देखिए चारों तरफ से इसका जो है चारों तरफ से जैसे बेसन का लेप लग चुका है, और देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको, और देखिए इसको छोड़ने के बाद देखिए इसको धीरे धीरे से पलटाएंगे। इसको अच्छा तरीके से तेल में हमको फ्राई करना पड़ेगा, एक्चुअली अंदर में भी जो है बेसन का मात्रा दिया हुआ है, सारा जो है अंडा पकौड़ा को जो है हम लोग छाँक के जो है उतार चुके हैं। देख पा रहे हैं जो है बनकर तैयार हो गया है, और इसको जो है अभी पूरा जो सटा हुआ है अभी देख रहे हैं पूरा सटा हुआ है, देख रहे हैं इसको जो हमको जरा सा उसको तोड़ना पड़ेगा। और देखिए जिस प्रकार से इसको तोड़ने के बाद जो है इसको फिर एक बार हम लोग देंगे, ताकि जो अंदर में जो मसाला रहता है वो जो है ठीक तरह से लग जाए। देखिए और देखिए फाइनली जो है बनकर तैयार हो चुका है, देखिए किस प्रकार से बनाए देखिए। और इसका जो है इसको जो है दोबारा हम लोग जो है तेल में इसको फ्राई करना पड़ता है, ताकि जो अंदर में जो मसाला है वो जो अच्छा तरीके से पक जाए। और देखिए ये जो है तैयार हो चुका है, और आप लोग भी जो है इस मौसम में जो है कभी कभी अगर मन करे तो सर बना के खाइए। और देखिए सलाद भी जो है हम लोग बना चुके हैं, देखिए टमाटर है और बीट है और खीरा और प्याज का सलाद है, देख पा रहे हैं। तो ये रहा आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग, और प्लीज़ हमारे ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ब्लॉग को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।